Okay, very good evening, Smarties. Welcome back in your usual session. So this is series number 8 and we'll be discussing as usual some 30 questions. Label aaj ka easy, moderate, tough ka combination hai. And don't complain that I have not been regular. I have been irregularly regular. So you must know why I'm saying like this. But let's begin the session. Aaj naam. कुछ नाम ले लेते हैं. गुड इवनिंग प्रभा शंकर जी. आप सोच रहे हैं कि सर आप मेरा नाम कैसे देख रहे हैं, तो मैं बता दूंगा. मैंने मोबाइल में पहले से देख लिया, अभी फिर से देख ले रहा हूँ. दोज वर लाइव तो मैं आज नाम ले ही लेता हूँ. हाँ, तो ये शायद कुछ नेट का कुछ इशू है क्या? तो कोई इशू नहीं है. गुड इवनिंग प्रदीप, रामनाथ, रेखा, अनिल, ये राजेश, चंद्रकांता. क्या नाम है, वाह. चंद्रकांता और देवकांता, ये जो रचनाएं हैं, अयारी से भरी हुई रचनाएं हैं. किसकी हैं? देवकी नंदन खत्री का. ठीक है, तो सब है यहाँ पर. ओ ठीक है, प्रभा शंकर जी, विशाल हैं, मीनू हैं और बहुत सारे लोग हैं. हाँ, रेगुलर क्लास मिलती है, आप लोग ही नहीं आते तो क्या कर. देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ और आज दरअसल इसलिए प्रैक्टिकल आदमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग बड़े बिजी थे ना. ओ क्या रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, फलाना डे, पूरा मौसम है, सब वैलेंटी आ गए थे. तो हमने सोचा जब आप लोग वैलेंटी आ गए हैं तो वो सीजन ओवर होने दें, तभी पढ़ाएं. लेकिन कुछ लोगों को लगा कि सारे लोग नहीं वैलेंटी आए हैं, तो जो लोग नहीं वैलेंटी आए हैं वो क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए क्लास लेते हैं. आई विल बी कमिंग रेगुलर, डोंट वरी, आई एम रेगुलर. आप लोग ऐसा ब्लेम मत किया करो भाई, क्योंकि इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल ना. झगड़े के लिए दो लोगों की जरूरत होती है. वैलेंटी आ गए हैं तो ठीक है. और मूविंग, पहला सवाल देखते हैं. आसान सवाल है और मुझे लग रहा है कि आप करेंगे. सवाल दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, बाकी ये सब होता जाता रहता है. वैलेंटाइंस मे कम एंड मे गो, बट योर जॉब वंस कम देन इट विल रिमेन विद यू. And this is what actually you want. You don't want roses in your life. You want rozgar in your life. Rozgar ke liye padhna padega. Theek hai? First question of the day. Who is old man with wrinkled female breast? There is a character who has lived both lives, male and female. Ek aisa character hai jisne dono jeevan ko jiya hai. Male or female character. Wo hermaphrodite hai. हर्माफ्रोडाइट कैरेक्टर है. आपको पता है, ओवरऑल उसी को आप कह सकते हैं कि नरेटर है. वो एक ओमनी प्रेजेंट नरेटर है. किसका है? वेस्टलैंड का. वेस्टलैंड अपने आप में एक मॉडर्न क्लासिक है. सिबिल ऑफ क्यूमी, टायरेसियस, फ्लेवर्स द फिनिशियन, फिशर किंग. और यहां पर आप लोग अब यहां पर क्या है, देखो सब लोग बता रहे हैं कि राघव है और कृष्णा है. ये सब बता रहे हैं कि सर टायरेशियस है. ये ओमनी प्रेजेंट नरेटर है टायरेशियस. द वेस्टलैंड जो है अपने आप में एक मॉडर्न क्लासिक है. द वेस्टलैंड, अ पोएम ऑफ सम 433 लाइंस की पोएम है. 5 सेक्शंस में है. समटाइम्स यू आर सपोज टू नो ऑल द 5 सेक्शंस लाइन बाई लाइन, बट नॉट necessary टू नो. आपको ये जानना है लॉन्गेस्ट सेक्शन और शॉर्टेस्ट सेक्शन की बात जानना है. एंड यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट, वो मैं पहले ही बता चुका हूं. तो 5 सेक्शंस है. और जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर इस तरीके के सवाल पूछता है. इंटरव्यू से आपका कोई मतलब नहीं है जब तक आप हायर एग्जाम नहीं दे रहे, क्योंकि आपके यहां तो इंटरव्यू खत्म हो गया. ये भी एक अच्छी बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक ज़्यादा है. और क्योंकि इतना इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म और क्रोनिज्म हो गया तो वो हट गया तो ज़्यादा अच्छा हुआ. लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि कंट्री विल नॉट फाइंड गुड टीचर्स. दिस पोएटिक फॉर्म वॉज क्रिएटेड बाई जियाकोमो डी लेंटिनाई. मुझे लग रहा है नाम से आपने सुना होगा, जियाकोमो डी लेंटिनाई, जो हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल, सिसिली का हेड था स्कूल, जो वहाँ के फिलोसॉफी चली थी. एक एम्परर थे, एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड के अंडर द ईजिस ऑफ, अंडर द ईजिस का मतलब कि देख रेख में, के तत्वाधान में. और
गिटोन डी अरेजो रीडिस्कवर्ड इट, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था, एंड ब्रॉट इट टू टस्कनी, इसे टस्कनी लाया, वेरी अडेप्टेड टू हिज लैंग्वेज, ही रोट अबाउट ऑलमोस्ट 250 सच पोएम्स, व्हाट इज द फॉर्म। अब आपको पता है कि ये किसकी बात चल रही है और ये बात किसकी चल रही है, सब लोगों को बताना है। यहाँ पर भी सब लोग सोनेट आंसर दे रहे हैं, तो ये सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली, नो डाउट, दिस पोएट्री फॉर्म वॉज क्रिएटेड बाई जियाकोमो डी लेंटिनाई, ठीक है। अब आप देख रहे हो वहां से पेट्रार्क को आप कह सकते हैं इज द फादर फिगर, और पेट्रार्क से जो टॉमस वायट है ही एक्चुअली ब्रॉट इट टू इंग्लैंड, आप ये कह सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ऐसे सवाल पढ़ने हैं, हालांकि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है कि जब थोड़ा कहानी में मजा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता हो गया कि सोनेट, सोनेट एक्चुअली मीन्स लिटिल साउंड, लिटिल साउंड, इसका मतलब सोनेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटिल साउंड, ये लिटिल सॉन्ग। अब ये मत करें सर मैंने तो एक किताब में पढ़ा था लिटिल सॉन्ग, तो अब आपने क्या पढ़ा है उससे मुझे नहीं मतलब है, और आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जो सही है आप उसको सही जानिए। तो यहां पर है सब लोग सही हैं, और बसंत का मौसम है, आप लोग बढ़िया से गंगा स्नान करिए अगर कर सकते हैं, नहीं तो जहां पर है कम से कम वहां स्नान करिए, क्योंकि जीवन में स्नान जरूरी है, अदरवाइज मेनी ऑफ यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम एब्ल्यूटोफोबिया, देयर इज अ डिजीज नोन एज एब्ल्यूटोफोबिया, एब्ल्यूटोफोबिया समझते हैं, पानी से नहाने का डर, नहाने से नहाओगे तो पानी से ना, एब्ल्यूटोफोबिया फियर फ्रॉम बाथ, ठीक है। आप कह सकते हो यहां पर आप अपने वर्ड को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्नान से डर लगता है तो फियर फ्रॉम बाथ कहते हैं, और हालांकि अब ठंडी कम हो गई तो आप नहा सकते हैं, हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहाते रहे होंगे रेगुलर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, अच्छा ये सो सारे और भी शब्द है, जैसे इसमें बैलड है, विलानेल है, लिख के बताओ विलानेल इज अ पोएम ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। ओबार्ड है, ओबार्ड का मतलब होता है मॉर्निंग सॉन्ग, डॉन सॉन्ग जिसको कहते हैं, हाँ इस जैसे रोमियो एंड जूलियट में डॉन सॉन्ग जिसको कहते हैं। अल्बा, जैसे जॉन डन का आप अल्बा कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चलते हैं सवाल देखते हैं। परहैप्स आई शैल डाई सून, द ज्वेलरी आई अडोर माई बॉडी विद इन ऑर्डर टू लुक लाइक अ ब्राइड अवेटिंग हर लव शैल सर्वाइव, मतलब ये ज्वेलरी तो रहेगी लेकिन मैं नहीं रहूंगी, हम नाम ही बता दिया। द बुक आई हैव कलेक्टेड, द ब्रॉन्ज आइडल्स आई हैव वर्शिप्ड, ये जो तांबे पीतल कांसे की मूर्तियों की जिसकी मैंने पूजा करी है, विद फ्लावर्स एंड ऑल द ट्रिंकेट्स, ये सादे फूल और चमकदार चीजों से, स्टोर्ड इन माई लाइफ टाइम सलेंडर बट नॉट आई, ये सब तो रहेंगे मैं ही नहीं रहूंगा, और जीवन में मैं का होना बड़ा जरूरी है। हालांकि कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई एक मेडियोकर थिंकर आपसे कह सकता है कि मैं जरूरी नहीं है जिंदगी में, जिंदगी में मैं बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मैं किस अर्थ में, वो मैं उर्दू वाला नहीं कह रहा हूँ, मैं आई वाला कह रहा हूँ, क्योंकि वही मैं आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, हु एंड व्हाट यू आर ओनली यू शुड डिफाइन, डोंट लेट द बास्टर्ड डिफाइन यू, बिकॉज दे विल डिफाइन इन देयर ओन मैट्रिक्स। वो अमिताभ बच्चन की लाइन है ना, अच्छों ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरे समझा, जिसको जितनी जरूरत थी उतना समझा, दूसरों के हिसाब से अपने आप को मत समझने दीजिए, समझ रहे हैं, ऐसे अपने मैं को जिंदा रखिए। यहां पर एक मोहतरमा है, कमला दास ने एक आत्मकथा लिखी माय स्टोरी 1975, ठीक है। तो ये जो है उनकी आत्मकथा है, पंडित नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना चाहिए, बदनाम मत करना कि नेहरू डिस्कवर्ड इंडिया इन इंग्लिश, इनफैक्ट नेहरू डिड ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द कंट्री। गांधी जी इज माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आजकल एक ट्रेंड चल गया ना, एक मेडियोकर लड़का जिसने हाई स्कूल, मुझे नहीं लगता कि बिना नकल के पास हो पाया होगा या बिना किसी, वो गांधी पे बात करता है, जिसने गांधी पे एक ढंग से 10 पेज नहीं पढ़ा होता है, वो अपने आप को गांधी से
को कहता है कि गांधी ऐसे थे, गांधी वैसे थे, गांधी जैसा बनने के लिए दुनिया, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि गांधी कोई बन ही नहीं सकता। एक आए थे ना, ये दूसरा गांधी, तीसरा गांधी, गांधी एक ही है, देयर इज ओनली वन गांधी। और मरते वक्त भी हे राम कहता हो, उससे बड़ा राम का भक्त कौन है? हा? तो गांधी जी ये नहीं है आपके आंसर। आपके आंसर कमला दास हैं, वर्जीनिया उल्फ रेमिनिसेंसेस। वैसे वर्जीनिया उल्फ का नाम आप जान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में सी हैज बीन ग्रेट इंटेलेक्चुअल, और कुछ ट्रॉमेटिक लाइफ रहा। और अमेरिकन प्लेराइट एडवर्ड एल्वी ने उस पर एक लिखा है इनका, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया उल्फ नाम का एक अपसर्डिस प्ले भी लिखा। तो ये सारी चीजें हैं, और आपको मजा आ रहा है, सब लोगों ने माई स्टोरी लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी अपनी स्टोरी लिखना चाहिए। मंजू कह रही है कि नीता दीदी क्या है, अच्छा नीता दीदी भी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे नाम दिख नहीं रहा, राघव है, ठीक है। हाँ सोनम कह रही है ब्लूम्सबरी ग्रुप है, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में रहना चाहिए। उन्होंने वर्जीनिया उल्फ में ब्लूम्सबरी ग्रुप बनाई थी, आप रोजबेरी ग्रुप बना लो, आप क्रैनबेरी ग्रुप बना लो, हाँ आप मलबेरी ग्रुप बना लो, लेकिन कोई ग्रुप बनाओ जिसमें 8-10 लोग अपने शेयर आइडियाज को शेयर कर पाओ ना। समझ रहे हो कि नहीं, जीवन में अकेले रहना बहुत टफ काम है, समझ रहे हो कि नहीं, अकेले आप रह नहीं पाओगे। अकेले जो रहता है वो जग जाता है, जो अकेले दूर चला जाता है, बहुत अकेले रहना पसंद करते। अकेले रहने वाले लोगों जो होते हैं वो उनका नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं, हो सकता है आप में से कोई हो, लेकिन दोज हू लाइक कंपनी दे विल डाई इन कंपनी, दोज हू लाइक सॉलिट्यूड दे विल जस्ट हैव एन यूनियन विद द ग्रेट वन। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। आज सवाल मजा आ रहा होगा, सरल सरल है, आपको लग रहा है सर आज इजी की, कोई बात नहीं। जो मेरे न्यू लिसनर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं, जो एमए कर रहे हैं, दो जो आर स्टिल इन एमए और विल कंप्लीट एमए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये सबके लिए इज सपोजली द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉटल्स मिसलनी वर्सेज एंड वर्चुअली चासर्स वर्सेज। हालांकि वर्सेज की स्पेलिंग गलत है यहां पर, और सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। दो बातें बताता हूं, हालांकि ये रिचर्ड टॉटल से है, और सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इसका आपके एग्जाम में मतलब आएगा, इसलिए मैं बता देता हूं। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। आई रिपीट, इतने सोनेट्स हैं इसमें और 11 सॉन्ग्स हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है, एस्ट्रोफेल का मतलब होता है स्टार लवर, ठीक है, और स्टेला का मतलब होता है स्टार, कभी कभी इसका मतलब भी पूछता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना है माय डियर, ठीक है। धीरे धीरे वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मध्यम पके सो मीठा होए, उस कहावत को चरितार्थ करते हुए आप धीरे धीरे अपने ज्ञान को अर्जन बड़ा करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने गुस्से में, आप 4 साल पहले बहुत पढ़ने में तेज रहे होंगे, लेकिन आज जरूरी नहीं कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो। मेरा एक बैचमेट था, मैं बता रहा हूँ, और वो मेरे बैच का टॉपर था, एकदम रियल, वो उसमें नहीं है कि कोई इसमें लाग लपेटे, रियल मेरे बैच का टॉपर था हाई स्कूल में। आप पता है, नाउ ही इज जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ, मतलब थर्ड क्लास लाइफ। इसलिए नहीं कि वो जॉब नहीं है, इसलिए कि उसने अपनी जॉब, उसको लगा कि लोगों ने चढ़ा दिया, अरे तुमको तो शेक्सपियर से ज्यादा अंग्रेजी आती है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया, रेन मार्टिन की औकात नहीं तुम्हारे सामने, सबसे बड़े ग्रामेरियन तो तुम हो। हाई स्कूल उसने टॉप किया मेरे साथ, फिर हाई स्कूल में उसका स्कूल, इंटर में उसका स्कूल बदल गया, मेरा बदल गया, मैं बॉम्बे चला गया। तो आई, फिर बॉम्बे से जब मैं आया तो फिर जान पहचान होती रही। एनी हाउ बीए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और वही पॉम्प एंड शो सीवन फिनिश्ड। एनी हाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो अनुदेशक होता ना प्राइमरी में, उसमें है वो अभी। फिर भी वो उसको लगता है, उसको आज भी भ्रम है कि दुनिया के जितने अंग्रेजी के साहित्यकार या अंग्रेजी के लिंग्विस्ट हुए हैं उससे ज्यादा अंग्रेजी कोई नहीं जानता, उसको ये भ्रम है। बट ही नोज नथिंग, दैट्स व्हाई ही इज देयर।
और गांव में एक ऑरा बना दिया कि भैया उसका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका लिटरेचर नहीं आता, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसको ना तो लैंग्वेज अच्छी है ना लिटरेचर, कम से कम 7-8 बार PGT दिया होगा, TGT दिया होगा, नेट दे ही नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी था तो उसका कभी 55% या 60% उस जमाने में बन नहीं पाया होगा 2006-07 में, हाँ दोबारा किया ही नहीं होगा, ज्ञानी लोग थे। तो ये ब्लेम, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स यार, कि मेरा नहीं हुआ क्योंकि ये हुआ, ये ब्लेम करने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे सुनील अपने आप के यहाँ, जो सुनील हैं अपने यहाँ जो अभी बिहार में सेलेक्ट हुए, उनकी एक बात आए थे मुझसे मिलने, तो एक बात अच्छी लगी, सर मैंने आपसे कभी ये नहीं बताया कि मेरा एक ही नंबर से नहीं TGT रुका था, क्योंकि आप कहते ना कि आपका नहीं हुआ, अल्टीमेटली यही सच है कि आपका नहीं हुआ, एक नंबर से रुकने का क्या मतलब है, लेकिन उनका सही में एक नंबर से रुका था, नहीं हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, When beggars die, there are no comet seen. अरे भिखारियों के मरने पे तारे थोड़ी ना टूटते हैं यार। The heavens themselves rage for the death of princes. और जब राजा महाराजा लोग मरते हैं तो आसमान भी रोता है, खुदा भी रोता है। जब मैं बताऊं कि मतलब ये वैसे भी प्रेडिक्शन भी सही है, जब बड़ी आत्माओं को जब तकलीफ दी जाती है, जीसस क्राइस्ट से लेकर के, महात्मा बुद्ध से लेकर के, सोक्रेटिस से लेकर के, बर्टन रसल ने तो यह भी कह दिया कि सुकरात को जिस दिन लोगों ने जहर का प्याला दे दिया उसी दिन मानवता मर गई, जो थोड़ी बहुत मानवता बची रही वो सुकरात के चेलों की वजह से बची है दुनिया में। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक बर्टन रसल सेड सो, मुझे नहीं पता कि बर्टन रसल ने किस तार्किकता के साथ ये बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं बर्टन रसल इतने बड़े मॉडर्न थिंकर थे कि आप उनको सोच नहीं सकते। अब ये मत कहना सर आपने जब TS Eliot पढ़ाया था तभी बताया था कि TS Eliot की वाइफ से बर्टन रसल का अफेयर था, तो मैंने झूठ थोड़ी ना बोला था, अफेयर होना अलग बात है, क्योंकि वैलेंटाइन का मौसम है इसलिए बता दे रहा हूं, ध्यान रखना, तो हल्के में मत करना, ठीक है। आगे की बात करते हैं, मूविंग टू, मजा आ रहा है तो आप लिख सकते हो, ये बात तो Act 2 Scene 2 में कही है, ये कौन कह सकता है, कहती आज मत जाओ, आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है, एक बीवी अपने पति के लिए ही ऐसा कह सकती। कैलिफोर्निया कहती है, When beggars die, there are no comet seen. Comet मतलब meteor, तारा टूटता है ना, जैसे आप आसमान में कभी तारे टूटते हुए देखते ना, लोग विश मांगते हैं जो भी सच्चाई हो। The heavens themselves rage for the death of the princess. और आसमान भी रोता है बड़ी आत्माओं के मरने पर, उसे भी तकलीफ होती है कि खुदा का एक नेक बंदा इस दुनिया से जा रहा है। और पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट हटा दो भगवान, आप अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ा दोगे, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, डोंट चेंज एनीवन, यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड आफ्टर अ लेवल यू विल अटेन गॉडहुड। महात्मा बुद्ध वॉज अ कॉमन मैन बट ही अटेन गॉडहुड, दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, यू कैन हैव मेनी एग्जाम्पल। ओसो, जब ओसो जीवित थे तो उनकी बात को लोग कोई मानते नहीं थे, अजीब दस्तूर है इस दुनिया का। ओसो बात कहते थे तो मीडिया, प्रोपेगेंडिस्ट टाइप की मीडिया उन्हें सेक्स गुरु का नाम देती थी। और ओसो, आपको पता है कि ओसो को एक बार पढ़ लो तो सही में कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, पढ़ उनको उनकी किताब से बदनाम करते हैं जिसमें उन्होंने उस बारे में चर्चा ही नहीं की है, जिसलिए उसको बदनाम करते हैं। उन्होंने सुपर कॉन्शियस की बात करी है, उसमें सेक्स टू सुपर कॉन्शियस नाम की जो किताब लिखी उसमें सेक्स की बात नहीं कही उन्होंने, उन्होंने सुपर कॉन्शियस की बात कही। लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या है, मेडियोकर मेंटेलिटी, हम उस पर ऐसी एक्स पे फोकस कर रहे हैं, सुपर कॉन्शियस परम ब्रह्म तक कैसे जाना है उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। बात तो उन्होंने ये बताई थी, यही दुनिया है साहब। तो ये Act 2 Scene 2 में कैलिफोर्निया कहती है, कौन कहती है, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया कौन है, सीजर की वाइफ है जी। संजीव जी आपकी नोटिस ले लिया मैंने, अभी वहां बच्चे हैं अपने, बहुत सारे लोग मेरे यहां, मुझे लगता है कि जितने बच्चे बिहार TGT या PGT दिए सबका सेलेक्ट हो गया, एकाध का एकाध नंबर से नहीं हुआ, माय अपोलॉजी, सिर्फ एकाध का जो है, बाकी जिन लोग स्टेट क्वालिफाई थे सबका सिलेक्शन हुआ, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं। अब वहां के लोग बताएंगे क्या जरूरत है, तो मैं समय समय पर देता रहूंगा, हैव पेशेंस, आप पहले जो दे रहा हूं वो फॉलो करो। पोर्शिया, पोर्शिया एक ब्रूटस की वाइफ है, अब मत कहना सर मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली पोर्शिया वो दूसरी पोर्शिया है, दूसरी पोर्शिया है, लेकिन दोनों में एक क्वालिटी क्या है जाने, दोनों ही हीरोइक है। ये अपनी मैनहुड को साबित कर, आप कहोगे सर ये तो वुमन थी, मैंने कब कहा मैन थी, ये अपनी मैनहुड को साबित करने के लिए अपने जंघे पे चाकू मार के दिए, यार तुमको क्या लगता है, मुझे इन चीजों से डर लगता है, तुम बताओ, बाद में
आग कोयला रख के मर जाती है, तमाम चीजें हैं। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स डिस्कसेस, ये पोएटिक्स जो है ना, इसमें 26 चैप्टर्स हैं। ये काव्य शास्त्र की बहुत बड़ी किताब है। डिस्कसेस मेनली क्या डिस्कस करता है, ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी एंड लिटरेचर इन जनरल, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन जनरल, ट्रेजेडी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन जनरल। एनीथिंग कैन बी बट दिस कैन नेवर बी। ठीक है, आप बताइए साहब आगे की बात करें से। आप बताइए प्लीज। सॉरी यार, अशोक कह रहे हैं डी है। अशोक, मैंने यही तो बताया कि डी ही नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तब क्यों डी है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो यार। देखो, उन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है उसमें, और एपिक की भी बात करी है, लेकिन एपिक को उन्होंने कहा कि एपिक ठीक है, पोएट्री का एक प्रकार है, लेकिन उसको प्राइमरी लेवल पे नहीं रख सकते, उसे सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं। मतलब ट्रेजेडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एपिक अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, ये लाइन भी आप रट लीजिए, ये बताया उन्होंने। इन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दिया कि ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू हाई क्लास पीपल, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बेलिस्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, डिफरेंट काइंड्स आर सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले इन फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेशन, इन फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेशन, देयर विदाउट एक्शन देयर कैन बी नो ट्रेजेडी, इन फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेशन थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर पर्गेशन ऑफ दीज इमोशंस। दिस वॉज द डेफिनेशन एक्चुअली गिवन बाई एरिस्टोटल। अब जब अभी कभी हायर का या कोई इंटरव्यू आप जीवन में फेस करें तो ये डेफिनेशन डिट्टो, मतलब वर्ड फॉर वर्ड याद करके जाना, क्योंकि कई प्रोफेसर पसंद करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई प्रोफेसर्स, जब भी कभी वो इंटरव्यू में गए तो उन्होंने कथारसिस से सवाल जरूर पूछा, और ही हैज वेरी साउंड नॉलेज, नाउ ही इज लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ, बट ही इज अ गुड, ही हैज साउंड नॉलेज ऑन संस्कृत एंड इंग्लिश लिटरेचर एज वेल। एक बार मैं मिला तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे, मैंने प्रणाम किया, परिचय दिया अपना, तो अब तो कम देख कम पाते हैं, बट ठीक है, ओवरऑल ज्ञान तो बढ़ा ही देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे की बात करें, ये ट्रेजेडी की बात है। नेक्स्ट करें, द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर इज अ फॉरेस्ट, क्या बात है, शेक्सपियर की रचना ही अपने आप में एक जंगल है, क्या बात है, उस जंगल में कोई भी भटक सकता है, बात तो सही है। इन विच ओक्स एक्सटेंड देयर ब्रांचेज, क्या बात है, एंड पाइन्स टावर इन द एयर, जिसमें ओक के पेड़ अपनी शाखाओं का विस्तार करते हैं, और पाइन का पेड़, पाइन फ्रूट होता है, आपको पता है भारत में बड़ा महंगा मिलता है, किन्नूर कन्नूर की बेली से मिलता है, कितनी ऊंचाई पे उसका फल लगता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में यार, उसका फ्रूट्स पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा होता है, चिलगोजा, तो खा सकते हैं, मिलता है मार्केट में। पाइन टावर इन द एयर, इंटरस्पर्स समटाइम विद वीट्स एंड ब्रैम्बल्स, कभी कभी घास फूस भी है, एंड समटाइम्स गिविंग शेल्टर टू मिटल्स एंड टू रोजेस, कभी कभी उसमें इस प्रकार की मिटल्स और रोजेस के लिए भी जगह है। हु सेड सो, ऐसा किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, अर्नोल्ड ने कहा, ड्राइडन ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, जो बताएगा वो अच्छा है। ताहिरा खान कह रही है डी है, कोई बात नहीं है, समर कह रहे हैं डी है, कोई बात नहीं, बहुत सारी अच्छी बात है। तो यहां पर क्या है, सबने, जिन लोगों ने डॉक्टर जॉनसन बताया दे आर वेरी करेक्ट, ऐसा उन्होंने कहा है प्रोफेसर टू शेक्सपियर में कहा है, ठीक है। और देख लेना अपना, ठीक है, प्रेफेस टू शेक्सपियर में कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, और कुछ बताने का, डेथ बाय वाटर इज द सेक्शन ऑफ इंग्लिश इलियट्स वेस्टलैंड, वेस्टलैंड अपने आप में एक क्लासिक रचना है, और एक मॉडर्न पोइट्री का आप कह रहे हो कि इससे बड़ी कोई किताब नहीं है जिसने, और वेस्टलैंड किसी एक चीज के बारे में नहीं है, इट टॉक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, मॉडर्निटी, करप्शन, मोरल करप्शन से लेकर के हर प्रकार के करप्शन की भी बात करता है, एथिकल करप्शन, पता नहीं ऐसा कोई शब्द है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपको पता है, फाइव सेक्शन है,
ये मैंने कई बार बताया था, तो उसमें बरियल ऑफ डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, तो आपको पता है डेथ बाय वाटर कौन सा है, जिसको आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट सेक्शन है, ये शॉर्टेस्ट सेक्शन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये फोर्थ सेक्शन है, यहां पर देख रहे हो, बरियल ऑफ डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो ये फायर सरमन जो है, इनफैक्ट ये द फायर सरमन, मतलब महात्मा बुद्ध वाला फायर सरमन जो है, इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट सेक्शन है, सरमन इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसकी लाइन 235 से लेकर 265 तक पढ़िएगा, बड़ा मजा है, अक्सर वहां से सवाल पूछता है, मैंने क्या बताया 235 से लेकर के 265 तक जरूर पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा, ना समझ में आए तब भी पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या समझ में आता तो उससे मतलब नहीं होते फैक्ट्स। अच्छा, मेरे एक सीनियर, उन्होंने कहा कि तुम तो फैक्ट रटाते हो और क्या फर्क पड़ता है, हमने कहा नौकरी तो फैक्ट रटन, जो रटाता हूँ उससे मिलती है ना, तुम ज्ञान लेके भी क्या करोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, आधा हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, ज्ञान तो ले ही लेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं ना, क्योंकि दुनिया भर के सारे ज्ञानी वो यूट्यूब पे देखने के बाद आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या झूठ बोल रहा हूँ, आप लोग बुरा मान गए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि सच बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे याद कर लेना, ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। और कभी ना जिंदगी में किसी इंसान से उसका झूठ मत छीनना, अगर जिस दिन आप किसी इंसान से उसका झूठ छीन लोगे ना, वो आपसे नफरत करने लगेगा, क्योंकि ये हमारी नहीं पूरी दुनिया की फितरत है, कोई भी इंसान बिना झूठ के जिंदा नहीं रह सकता, तो इंसान से कभी सच उसके सामने कड़वा सच तो मत ही बोलना, हर एक इंसान बिना झूठ के जीवित नहीं रह सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं, जाके आज अपने आप के बारे में सोचना कि आप बिना झूठ के जीवित रह पाएंगे, तो किसी इंसान से कभी उसका झूठ मत छीनना, और मैं झूठ नहीं छीन रहा हूं। आगे, हूज बीव्स इज द इज दिस अबाउट मिल्टन, मुझे लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन, सच इज द पावर ऑफ हिज पोइट्री, इस प्रकार की उनकी काव्य की, काव्य में ऐसी शक्ति है कि दैट हिज कॉल इज ओबेड विदाउट रेजिस्टेंस, कि वो जो कह दे बिना आदमी विरोध के ही मान लेता है, जलवा है साहब का, सैमुअल जॉनसन, टी.एस. एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, ये मिल्टन के बारे में किसने ऐसा कहा है ये बताना है। वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सवाल कि सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ द पोइट्स की बात करी है, जिसमें उन्होंने 52 पोइट्स का जिक्र किया है, हाउ मेनी पोइट्स, कभी कभी इस तरीके से सवाल आते हैं कि इसमें कितने पोइट्स का जिक्र है, तो यहाँ पर सैमुअल जॉनसन की बात करें तो सैमुअल जॉनसन ने ही बात किया, बेटर यू नो एज डॉक्टर जॉनसन, ठीक है साहब, आगे की बात करें हम, नेक्स्ट करते हैं हम, शेक्सपियर प्लेड द रोल्स ऑफ एडम एंड गोस्ट इन हिज प्लेस, अब एडम कहां पर आता है कैरेक्टर, गोस्ट कहां आता है, तो गोस्ट तो मैकबेथ में भी आता है और हैमलेट में भी आता है, तो मैकबेथ में तो गोस्ट बैंको का है, लेकिन यहां पर वहां पर एडम केवल एज यू लाइक इट में आता है, हैमलेट में एडम का रोल शेक्सपियर ने किया था, ये आपको ध्यान देना है, और यहां पर आपका आंसर ये ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, आई विल नॉट स्टे ऑन दिस, क्योंकि ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन क्रिटिसाइज एंडीमियन, एंडीमियन अथिंग, यहाँ की लाइन जो है, अथिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कोई चीज सुंदर है वो आनंद देती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये लाइन रट लेना, कभी कभी पूछता है कहाँ की है, तो ये अथिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हालांकि कुछ मामलों में सही हो सकता है। अब दुनिया में खूबसूरत कौन होता है, ये एक अव्याकृत प्रश्न है, मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, जो आंसर नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि जब आप अपने विधा के, जब आप अपने क्षेत्र के में अपना बेस्ट वर्जन प्राप्त कर लेते हैं तो आप खूबसूरत बन जाते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर आप क्रिस गेल को खूबसूरत कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं तो आपके अपने तर्क और कुतर्क हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अपना बेस्ट वर्जन दीजिए, आप खूबसूरत हो जाएंगे, काला, गोरा, कास्ट, क्रीड,
रिलीजन, कलर, दीज थिंग्स कैन नेवर डिफाइन ब्यूटी. ब्यूटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन. ये नया डेफिनेशन है, हाँ, स्वामी भूपेशानंद का, ठीक है. तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यहाँ द प्लेन ट्रूथ और लंडन मैगजीन, हालांकि लंडन मैगजीन आप जानते हैं चार्ल्स लैम जुड़े रहे और ले हंट भी जुड़े रहे. और मजेदार बात रही कि ये पोएम थॉमस चैटर्टन को डेडिकेटेड है. एंडिमियान जो है, अगर आप देखें तो एंडिमियान इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्टन, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था सिर्फ इस आधार पे कि कुछ इनकी कविताओं की आलोचना कर दी गई थी. और इतने सेंसिटिव होते हैं पोएट वगैरह लोग, जनरली दे आर सेंसिटिव. एडिनबरा रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन, तो ये जो दो, एक टोरी मैगजीन था, एक विग मैगजीन था. ये ब्लैकवुड मैगजीन जो था, इसने आलोचना करी और इससे इनका टूट गया दिल, बहुत बुरा टूटा, ठीक है. इतना बुरा टूटा कि ये एडिनबरा तो मान लो विग था, ये विग और टोरी की, टोरी आप जानते हैं दो दल थे, दो आइडियोलॉजी अलग, ये टोरी था, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं, तो यहां पर आपका आंसर तो ठीक है. आगे की बात करें, द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन इन मेमोरियम एलिजी, हालांकि ये रेक्वियम, इसकी जानरा की बात करें तो इसको डर्ज की श्रेणी में भी रख सकते हैं. रेक्वियम या एलिजी तो है ही, ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ रेक्वियम. ये अगर आप बात करें तो ये रेक्वियम आ जाएगा. जानरा की बात करेंगे, इफ वी स्पीक ऑफ जानरा, पर्टिकुलर जानरा. और ये 1850 में आई थी और इट टुक्स, इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ, एडिशनल पॉइंट्स, दिस यू मस्ट नो. इट टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट, इसको पूरा होने में 17 साल लग गए, ये आपको जानना है. इसको पूरा होने में 17 साल लग गए. और इसमें कितने सेक्शन हैं, हालांकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिया गया. अर्लियर इट वॉज टाइटल द वे ऑफ द सोल, पहले इसका नाम द वे ऑफ द सोल था, बाद में बदल दिया वे ऑफ द सोल. हालांकि ये इनका फ्रेंड थे जिसका नाम था आर्थर हेनरी हैलम, अर्थ AHH इन्हीं को डेडिकेटेड की थी और इन्होंने इनके डेथ पे लिखी थी. उनकी डेथ 22 साल की उम्र में 1833 में सेरिब्रल हेमरेज की वजह से हो जाती है. सेरिब्रल जिसको आप ब्रेन कहते हैं, दो पार्ट होते हैं सेरिब्रम, फ्रंट सेरिब्रम और बैक सेरिब्रम, यहाँ ये बीच वाला फंटानेल होता है. बच्चों में देखिए, छोटी बच्चे जो मदर होती हैं, छोटा बेबी होता है, तो उससे जो 5 से 6 महीने का बेबी होता है, तो उसका ये जो ब्रेन का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो गीला गीला रहता है, उसमें मतलब फ्लफी टाइप का रहता है, ऐसे दबाओगे तो दबता रहता है, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ लिक्विड टाइप का है यहाँ पर ब्रेन पे. तो उधर मदर्स क्या होते हैं, उसमें ऑयल वगैरह लग के ऐसे ऐसे बचपन एक समय के बाद वो भर जाता है. तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को फंटानेल कहते हैं, नहीं तो आप सोचो क्या बोल दिए सर. सेरेब्रल हेमरेज की बात करें, अच्छा हेमरेज की बात करें तो आप ये जरूर ध्यान रहे, स्पेलिंग हेमरेज की जरूर याद कर लेना, एग्जाम में आता है. तो ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हो, उससे डेथ हुई थी. और 1800, ये एलजी में कितने सेक्शन हैं, विवादों में सवाल है. यहाँ पे कभी कभी आपको 131-132 मिलेगा. मार्गरेट रेबल अपनी किताब में 132 लिखती हैं, क्योंकि उन्होंने एपिलॉग को हटा दिया है. अब प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों जोड़ लेंगे तो 133 होगा. लेकिन ओवरऑल प्रमाण की बात करेंगे तो आप, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 133 ही आपका सही माना जाएगा. अलग अलग किताबों में अलग अलग मत हैं उस बात के, लेकिन प्रोलॉग और एपिलॉग को एक्सक्लूड करके आपके 131 हो जाएंगे. दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 133 ही होंगे. तो रेस्ट इज योर चॉइस, यहाँ की बड़ी लाइनें हैं आपको पता है. और अभी 2023 की एक नई लेखिका है, एलिस विंस, नेट वाले ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ. एलिस विंस ने एक नॉवेल लिखी है, एलिस विंस ने एक नॉवेल लिखी है, ठीक है, 2023 में आई है. और इसी नाम, नॉवेल का नाम क्या है, इन मेमोरियम. नॉवेल का नाम ही है इन मेमोरियम, समझ रहे हैं कि नहीं. एलिस विंस नाम की एक महिला है, इन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम, जिसमें इन मेमोरियम हर आदमी उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान वो कहते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हम सब अपनी लिए एक एलिजी लिखेंगे इन मेमोरियम, उस तरीके की कहानी है. एक अच्छी कहानी है, काफ़ी इसको सराहा गया था. बेस्ट आप क्योंकि नेट के एक छात्र हैं तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है.
आगे की बात करें हम तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आंसर नहीं दिया मुझे लग रहा है, तो मैं आंसर दे दूं। अच्छा दे दिया भाई, हाँ आप लोगों को कोई भरोसा नहीं। इजिकल वेंट टू इंग्लैंड इन 1948 एंड स्टडीड फिलोसफी, उन्होंने फिलोसफी पढ़ा। अंग्रेजी का छात्र अगर फिलोसफी पढ़ ले तो समझ लेने उसके विद्वता की कोई सीमा नहीं हो सकती। दुनिया का सारा ज्ञान जो है फिलोसफी में छुपा है, अंग्रेजी की कोई औकात नहीं है। दुनिया का सारा ज्ञान फिलोसफी में छुपा है, इसलिए जब आप पीएचडी करते हैं किसी भी विषय में तो आपको डीफिल मिलता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन इंग्लिश इन हिंदी वो सब में होता है, फिलोसफी जुड़ा रहता है। तो सोच लेना फिलोसफी। और ये एक सीईएम जोर्ट का नाम आपने सुना होगा, और जब हम लोग इंटर में थे तो एक लेशन था डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, व्हाट यू प्रोनाउंस एज सिविलाइजेशन, आई डोंट माइंड आप क्या प्रोनाउंस करते हैं। और जिसमें लूसी और कैरेक्टर सीएम जोर्ट के बीच एक कन्वर्सेशन है, उसको बताया गया है कि कौन से लोग ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, उस पर बहस है। बड़ी अच्छी एक डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन था, आपने पढ़ा होगा। सीएम जोर्ट इनके पीएचडी गाइड थे, आप ये जानते हैं। और आगे की बात करें हम तो क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट थीम इन इजिकेल्स पोइट्री। बड़ा पूछा जाता है निजीम इजिकेल की पोइट्री का जो मेन थीम है क्या है। अर्बन ये शहरी जीवन पे लिखते हैं, अर्बैनिटी पे लिखते हैं, ही राइट्स ऑन अर्बैनिटी इनकी पोइम्स में मिलता है। हाँ, जो उस समय मॉडर्न लाइफ होता है। सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, लव एंड सेक्स की बात करते हैं, नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं। नॉस्टैल्जिया कहीं कहीं दिखता है, ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल अगर थीम देखें तो इनके पोइट्री में थीम है एलिनेशन का थीम है। क्या है एलिनेशन, ये थीम इनकी पोइट्री में दिखता है। ये रट लेना, बहुत बार सवाल बना है, डिट्टो बना है एग्जाम में, ठीक है। आगे की बात करें तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो आप जरूर जानेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इतना भी इजी। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो अरिस्टोटल का नाम लेंगे, ये जो है ना फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो ये डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को कहा है। कहा किसने, डॉक्टर जॉनसन कार्ड ड्राइडन, उन्होंने ड्राइडन को कहा, क्या कहा, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा। कोई शक नहीं होना चाहिए यहां पर आपको, मैं पहले बता दे रहा हूं बिल्कुल ठीक है साहब। किसने किसको कहा इस भ्रम में मत रहिएगा। अब जैसे तमाम चीजें होते हैं, सवाल होते हैं, फादर ऑफ एसेज की बात करेंगे तो मिशेल डी मॉन्टेन का नाम लेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करेंगे तो फ्रांसिस बेकन। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य को जो आइडियाज जो विचार फ्रांसिस बेकन ने दिया उस डार्क एज के बाद, जब डार्क एज से जूझ रहा था, जब रेनेशा का सिल्वर लाइनिंग दिखता है, तो उन्होंने वो फ्रंट पे थे और उन्होंने जो कुछ दिया। आप कितना भी पढ़ लो, किसी को शेक्सपियर को इंपॉर्टेंस दे दो, किसी को इंपॉर्टेंस दे दो एलिजाबेथन एज में, मुझे लगता है कि कॉर्नर स्टोन तो आप फ्रांसिस बेकन को ही मानेंगे, क्योंकि ड्रामा की वजह से मशहूर जरूर हुए शेक्सपियर साहब। विच इज द लास्ट नॉवल बाय जेन ऑस्टिन, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है, और पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐश्वर्या राय की एक मूवी है ब्राइड एंड प्रेजुडिस, आप चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि अगर आपको ऐश्वर्या राय नहीं पसंद है तो आप प्राइड एंड प्रेजुडिस हॉलीवुड वाली भी मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। लेडी सुजैन एक एपिस्टॉलरी नॉवेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और सैंडिटॉन जो है एक नॉवेल है, जो मुझे लगता है कि इनका आखिरी नॉवेल है जो मरणोपरांत पब्लिश हुआ पोस्टमसली। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यू कैन से इट फर्स्ट नॉवल 1811, राइट। जेन ऑस्टिन की अपनी अलग स्टाइल है लिखने की, डोमेस्टिक नॉवल लिखती हैं और महिला संवेदना को उकेरने में काफी सफल रही हैं, और रोमांटिक एज में एक ऐसी महिला राय नॉवलिस्ट, आप सोचिए पहले, कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो है मजेदार है, अपनी बात आगे की बात करते हैं। सैंडिटॉन इज द राइट आंसर, द सब प्लॉट ऑफ किंग लियर इज टेकन फ्रॉम। ये सवाल जितना ही आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है,
और यहां पर आप कोई गलती मत करिएगा, एग्जाम जब आप देंगे क्या है सब प्लॉट, अब सब प्लॉट है क्या, सब प्लॉट ऑफ किंग लियर का है क्या, वो ग्लॉस्टर वाला जो सीन है जिसको आप ग्लॉसेस्टर पढ़ते हो, आपकी गलती नहीं, मैं भी यही पढ़ा था अपने जमाने में, तो माय प्रोफेसर टोल्ड मी दिस नॉट ग्लॉस्टर, दिस इज ग्लॉस्टर, आई जस्ट ईस्ट माई हेड एंड वाई इट इज, तो धीरे धीरे समझ में आया कि अंग्रेजी की अपनी एक अलग नफासत है, उसकी अपनी एक अलग डेलिकेसी है। तो ग्लॉस्टर मार्लोज द जू ऑफ माल्टा, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, सिडनीज अर्केडिया, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स शेक्सपियर से काफी इंस्पायर, शेक्सपियर के ज्यादातर प्लेज अगर हिस्ट्री प्लेज की बात करें तो सब के सब ये ऑल द हिस्ट्री प्लेज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, बट सो फार एज सब प्लॉट ऑफ किंग लियर इज टेकन फ्रॉम सिडनीज अर्केडिया, दिस मस्ट बी योर आंसर विदाउट एनी राइम एंड रीजन। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सिडनीज अर्केडिया जिसमें ग्लॉस्टर को अंधा कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कहानी है, आप सोचिए पहले। नेक्स्ट देखिए, हु क्वाइन, देखो यहां पर भी ना थोड़ा सा पास्ट टेंस गड़बड़ हो गया है यहां पर, हु क्वाइन द टर्म द थिएटर ऑफ अपसर्ड, सैमुअल बेकेट, बर्टोल्ड ब्रेक्स्ट और हैरोल्ड पिंटर और मार्टिन एसलैंड। क्वाइनेस की बात करें, थिएटर ऑफ अपसर्ड होता क्या है, थिएटर ऑफ अपसर्ड जस्ट शोज अस द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, life does not have a meaning at all, and this meaninglessness can be found in the works that are totally meaningless, matlab jeevan mein koi arth nahi hai, jeevan mein koi mahatva nahi hai, insignificant jeevan hai, aur ye jo meaninglessness hai life ki, ye aisi kitabon mein dikhaya ja sakta hai jo apne aap mein absurd ho, aur aisi plays mein jo hota hai loose construction hota hai, uska structure loose hota hai aur almost no actions because nothing meaningless can happen. तो theater of absurd की बात करें, it is just like a painting put before you without having a picture inside. You understand what I said? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके सामने एक painting रखी हो और जिस painting में कोई तस्वीर ना हो। जीवन भी ऐसे ही है। Waiting for Godot, जिसको आप Godot या Godot पढ़ते हो, आप कुछ भी पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। Waiting for Godot, सेमिनल बुक, बर्थडे पार्टी भी आप कह सकते हैं, वो उसमें आती है, और रोसेनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न, उस फिर बहुत आ जाएगा टॉमस स्टुअर्ट का, फिर उधर एडवर्ड एल्वी का, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एंड मेनी मोर। तो यहां पर आप नाम मार्टिन एसलिन ने एक एशियली 1961 में इस शब्द को क्वाइन किया था, थिएटर ऑफ अपसर्ड, शोइंग अपसर्डिटी ऑफ लाइफ इट्स सोल मोटिव, इसका मेन उद्देश्य यही है। बर्टोल ब्रेक्स्ट की बात करें तो आप इनको एपिक थिएटर के लिए या एपिक ड्रामा के लिए जाना जाते हैं, एपिक थिएटर आप कर दीजिए, ज्यादा याद रहेगा, और एग्जाम में थिएटर के स्थान पे ड्रामा लिखा रहेगा ना, तो आप लोग ड्रामा मत करिएगा, नहीं तो फिर बॉम्बे की भाषा में मेरे को नहीं बोलने का कि मैंने बताया नहीं था कि ड्रामा एंड थिएटर दोनों एक ही है। माई डॉटर इज दिस फ्रॉम मुंबई, तो ऐसे बोलते हैं इधर ही रहने का, तो जब सी सेड इधर ही रहने का, तो आई से वो तो मैं समझ गया क्या बोल रही, तो मुझे बड़ा मजा, फिर मुझे अपना बचपन याद आया, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन मुंबई, मैं भी बोलने का इधर ही रहने का भाई, जाने का नहीं, बस अपन आ रेला, ठीक है, इस तरीके का। तो मुंबई की भाषा मुझे तो नहीं अच्छी लगी भाई, माफ करना अगर कोई मुंबईकर्स होगा, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। आई लव यूपीआई, आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड बीइंग कॉल्ड यूपीआई, यूपी वाला, ठीक है। ठीक है साहब, ज्ञान मिला आपको, आगे की बात करें साहब। केशव बता रहा है कि सर्दी है जी, केशव जी, हु इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया हमारी बॉडी को, मैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है, इन्होंने बताया कि फोर फ्लूड्स होते हैं, फोर लिक्विड होते हैं जो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ब्लड, फ्लेम, कोलर, जिसको आप येलो बाइल से नाम जान सकते हैं, ये याद कर लेना क्योंकि पूछता है, बाइल मतलब पित्त, एंड मेलंकली, ये जो है ना ये रट लेना, ये जो होता है जिसको आप ब्लैक बाइल कहते हैं। तो माय डियर, ये जो है ना
दीज आर फोर फ्लूट्स, इनका मिक्सचर जो होता है ना वो हमारे करेक्टर को डिफाइन करता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। किसी के अंदर ब्लड ज्यादा है तो बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, किसी के अंदर फ्लेम ज्यादा रहेगा तो कूल डाउन रहेगा, किसी के अंदर कॉलर ज्यादा रहेगा तो बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, किसी के अंदर मेलेंकली ज्यादा रहेगा, ब्लैक वेल हमेशा मुकेश के गाना सुनता रहेगा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें कहीं छोड़ दे तो तुम गुलाब ला के देना हा? और बेरोजगार हो जाना, इस तरीके की बातें मत करो, ठीक है। तो ब्लड कोलर, ब्लड फ्लेम कोलर एंड मेलेंकली, दीज आर फोर लिक्विड्स दैट एक्चुअली डिटरमिन आर करेक्टर आर डिस्पोजिशन। ये चारों का मिक्सर जो होता है जिनमें प्रॉपर बैलेंस रहता है उनका करेक्टर एकदम ठीक रहता है, और किसी के करेक्टर ये लिक्विड थोड़ी ना डिफाइन करेंगे यार, अ करेक्टर इज डिफाइंड बाई द कंपनी यू कीप, ठीक है। तो यहाँ वेन जॉनसन का नाम आप ले सकते हैं, बड़ा नाम है और आप जरूर देखिए साहब। आगे की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्रामा ऑफ कल्चर, इनमें से ड्रामा ऑफ कल्चर किसको कहते हैं? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द ट्विंटेस्ट टेल, द टेम्पेस्ट, नन। नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई ना कोई तो है, और आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों रोमांसेज हैं, ये सबके सब रोमांसेज हैं, और यहाँ पर एक रोमांस है टेम्पेस्ट को आप कह सकते हैं ड्रामा ऑफ कल्चर, और ये लास्ट कंप्लीट प्ले बाई शेक्सपियर। ये शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले है, आप ध्यान देना, ये मत कहना कि मैंने शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत कर दी। हाँ एग्जाम में मैं यही सबसे पूछता हूँ, अच्छा मैं वाइवा वाइवा लेता हूँ तो कभी कभी बच्चों से पूछ लेता हूँ शेक्सपियर की स्पेलिंग, वो तो पहले मेरा मुंह देखते हैं, उसके बाद मुंह देखने के बाद बड़ा गलत स्पेलिंग बता देते हैं। आज तक मैंने जिन बच्चों से शेक्सपियर की स्पेलिंग पूछी है बड़े एमए लेवल पे, उसमें से 98% मैं दावे के साथ करता हूँ कि गलत स्पेलिंग बताई, तो आप ऐसा मत करिएगा नहीं तो आप खराब इंप्रेशन डालेंगे। हु रोट द बुक मिल्टन्स गॉड, क्या बात है, मिल्टन्स गॉड किसने लिखी है? मिल्टन का खुदा, क्यों मिल्टन का खुदा कोई और है, आपका खुदा कोई और है, हर एक इंसान का खुदा एक ही होता है साहब, किस खुदा की तलाश कर रहे हो आप? अपने आप को तलाश करो, शायद खुदा मिल जाए। खुदा की तलाश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, अपने आप की तलाश करो। महात्मा बुद्ध ने सिर्फ अपनी तलाश करी थी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जब ये जान गए तो फिर खुदा तो मिल ही जाएगा। अपने आप को जान, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। पढ़ते हो लेकिन अपने आप पे उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। वैसे फिगर ऑफ स्पीच में फिर कभी बताऊंगा इसमें, फिलहाल तो ये जो है विलियम एम्पसन का, आप सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी के लिए भी आप जानते हैं, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी नाम की किताब के लिए भी आप इनको जानते हैं, ठीक है। कोई बात इसमें आपको छुपाने वाली बात नहीं है, स्टेनली वेल्स, स्टेनली फेस नहीं है, आई रिचर्ड्स नहीं है, सबको पता है कि विलियम एम्पसन ही राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड रेस्टोरेशन ड्रामा अगेंस्ट द चार्जेज ऑफ इमोरालिटी, अ शॉर्ट व्यू ऑफ प्रोफेट, वो जो 1698 में भी लिखा था एक बंदे ने, वैसे उसका नाम है इसमें जिसने लिखा था, डॉक्टर जॉनसन, चार्ल्स लैम, जेरमी कोलियर, थॉमस कैरे, लेकिन इसमें पूछा गया कि किस बंदे ने डिफेंड किया था, ये नहीं कि किसने आरोप लगाया था, आरोप तो लगाया था, आरोप लगाने वाले का नाम भी है यहाँ पर, आपको ये बताना है। वेद प्रकाश बता रहे हैं डी, क्या बात है वेद। स्नेहा चौधरी बता रही मिल्टन्स गॉड पूरा लिख करके टाइप कर दे रहे हैं जी, क्या बात है, अच्छा है। ये जब आती हैं मतलब तो ये पूरा लिख देती हैं, पूरा इतिहास भूगोल, लिखो मत एग्जाम में लिख के आओ, समझ रहे सबसे बात कर रहा हूं, आप कब मैच्योर हो गए यार आप लोग, हाँ तुम लोग भी यार अब क्या ही बोलूं यार, तुम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है ना, अब ये कौन लिख रहा है, सालू, सालू मेरी सबसे अच्छी बिटिया है, मैं मेरी दुआएं जो हैं, अगर सालू आज मैं आपको बताऊं, आज है फ्राइडे और आज जो है ना मैं इतना जरूर जानता हूँ तो इस जॉब जरूर लग जाएगी और जल्दी लगेगी,
बस तुम पढ़ती रहो। और मैंने जीवन में मुझे नहीं लगा कि बुरे काम किए हैं, मैंने अच्छे काम किए हैं बहुत, वो मैं बता नहीं सकता, गलतियां हुई होंगी, उन अच्छे कामों में अगर ईश्वर उसको एक्सेप्ट करे तो मैं तुम्हारे लिए जरूर दूँ। वैसे तो दुआ मैं सबके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सिंसेरिटी से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, तो तुम्हें जॉब जरूर लग जाएगी, सबको लग जाएगी, तुम पढ़ते रहो बस। रेखा कह रही है जेरमी कोलियर, क्या बात है, अगर ये जेरमी कोलियर नहीं है, जेरमी कोलियर ने उसको विरोध थोड़ी उसके विरोध में लिखा था, इन्होंने डिफेंड किया है, डिफेंड माने रक्षा करना, बचाव करना, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन ड्रामा को डिफेंड किया, ये तो आलोचना किया है ना, शॉर्ट व्यू ऑफ प्रोफेननेस जो 1648 में आया था, तुम लोग भी ना, ठीक है, ये यार तुम लोग ना कभी नहीं सुधर सकते, नो 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 नो, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरालिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज, और मैं सोच रहा था कि मैं सही था कि नहीं, 1698 ही बोला था ना, तो ये जो है ना जेरमी कोलियर ने ये लिखा था इसकी आलोचना में, लेकिन आंसर तो आपका चार्ल्स लैम्ब ने डिफेंड किया है, आप लोग सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जेरमी कोलियर आंसर दे दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने, तो ये इन्होंने आरोप लगाया था शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरालिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज, और डिफेंड इन्होंने किया है, ये ध्यान रखना, तो ऐसे मत किया करो भाई, तुम लोग सारे लोग गलत कर देते हो, मैं आपको सही ठहराने के और कोई तरीके तो है नहीं, हाँ शत्रुघ्न, यही कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो कैसे दूर होती है, मतलब अच्छी संगति से, ठीक है। टॉमस कह रहे तो हो ही नहीं सकते, कैवलियर पोइट्स हैं, हु जैसे इज आर नोन एज काउंसल्स सिविल एंड मोरल, क्या बात है। वैसे मजेदार बतवा तो इनके एसेज को प्रैक्टिकल विजडम भी कहा जाता है, और टॉमस डी क्विंसी, फ्रांसिस बेकन, हैजलिट और चार्ल्स लैम, आई होप कि यू विल ठीक है, नहीं हमें मत बताओ कि चार्ल्स लैम भी हैं, वो तो मैं जान ही रहा हूं, मुझे क्यों पढ़ा रहे हो तुम लोग, और मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है। पूजा कह रही है कि ये 23 है, ठीक है, चलिए। सौरभ कह रहे हैं डी, फ्रांसिस बेकन को प्रैक्टिकल विजडम के लिए जानते हैं, और इनकी बात ही कुछ और है भाई, ये ऐसा आदमी है ना, इनके इंपॉर्टेंस को कभी आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। जब इंग्लैंड डार्क एज से जूझ रहा था तो ये बंदा आया, उस जमाने में एक ट्रेंड चल गया था, जैसे आज के जमाने में कुछ ट्रेंड चल गया है इंडिया में, माई अपोलॉजीज अगर मैं किसी के सेंटिमेंट्स को ऑफेंड कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल मैं जो फील कर पा रहा हूँ, कि जितनी लाइनें गीता की कोट करो, जितना श्लोक कोट कर पाओ, उतना ज्यादा इंटेलिजेंट, ये कोई इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है, दिस इज द वर्स्ट पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस, ये कोई विद्वता का पैरामीटर है कि आप बाइबल की 400 लाइन कोट कर दो, कुरान की कोट कर दो, गीता की कर दो, महाभारत की कर दो, और नीति शास्त्र नीति शतक का कर दो, ये इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है। यही हो रहा था 15वीं शताब्दी में, डार्क एज में वही हो रहा था, कि जो एरिस्टोटल की बातें ज्यादा कोट करे, जो प्लेटो की बातें ज्यादा कोट करे, सोक्रेटिस को बात बात में कोट कर दे, वो ज्यादा विद्वान माना जाता था। फ्रांसिस बेकन ने कहा ये गलत तरीका है, दिस इज नॉट द साइंटिफिक ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ जो है आम जनमानस के लिए एप्लीकेबल हो, वही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां तो ऐसे ही लोग हैं, जो हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग मशहूर है जो जीबी शाह की लाइन को कोट करके हिंदी में अपने आप को बन जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो एक बार जीबी शाह की लाइन कोट करी थी कि डोंट मेस विथ पिक्स, यू गेट डर्टी एंड दे एंजॉय इट। मैंने कहा सुअर से पंगा मत लो, डोंट रेसल विथ पिक्स, वो क्योंकि लौटना उनको पसंद आता है और आप गंदे हो जाते हो। बड़े बड़े टीचर्स ने उसको अपनी लाइन करके बताई, इन्होंने कभी कोट नहीं किया, या ये भी नहीं कहा कि ये किसी की कहावत है,
मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं जो बैकडोर से राज्यसभा के टिकट भी चाह रहे होंगे। अब वो कौन है मैं आपके विवेक पे, आई लीव इट एट योर डिस्क्रिप्शन हु दे आर एंड हेड्स अप टू देम। सबको अपना अपना जहां मुबारक हो, लेकिन आप इंसान अच्छा बनो ना। बड़ी बड़ी अच्छी बातें मेरे एक सीनियर हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि भूपेश, दुनिया की सारी अच्छी बातें या तो लिखी जा चुकी हैं या कही जा चुकी हैं, या मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में या चर्चेज में ऑलरेडी दे हैव बीन रिटन। व्हाट हैज नॉट बीन डन येट, पीपल हैड नॉट इंप्लीमेंटेड दोज थिंग्स इन देयर ओन लाइफ। माय डियर, जिंदगी की दुनिया की सारी अच्छी बातें या तो किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में लिखी जा चुकी हैं, या चर्चेज पे, या टेम्पल्स में, या मॉस्क में, या गुरुद्वारों में सब खूबसूरत खूबसूरत लाइनें लिखी गई, या यूनिवर्सिटी गेट के कैंपस में, या यूनिवर्सिटी कैंपस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छी बातें लिखी गई हैं, बस उसे जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया है किसी ने, ना तो लिखने वाले ने, ना हर वहां पढ़ने वाला जो है। ऊपर नैतिकता की बातें लिखा रहता है, नीचे बैठकर अनैतिक काम करता रहता है, देखता भी रहता है कि कौन, कोई देख तो नहीं रहा, छुप छुप के आईना देखता है, छुप छुप के कैमरा देखता है, और ये भी देखता है कि कोई देखता तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन डियर, हु यूज द पेन नेम इजाक आइजैक बेकरस्टॉफ। तो ये आइजैक बेकरस्टॉफ किसने इस्तेमाल किया? एडिसन, फ्रांसिस वेकन, रिचर्ड स्टील, चार्ल्स लैम। तो आपको एक आसान सा सवाल है, आपको पता है। आगे की बात करें, नेक्स्ट वन, टाइमिंग तो नहीं बदलूंगा यार, क्योंकि यही टाइमिंग का ही तो इशू है। जिंदगी में आपकी टाइमिंग खराब तो सब कुछ खराब। वो सचिन की जब जब टाइमिंग खराब हुई ना, तब तक वो कैच हो गया, तब तक नर्वस 90 हो गया। टाइमिंग सही रखो अपनी, पूरा खेला टाइमिंग का है। आपको टाइम पे नौकरी नहीं मिलेगी, एक उम्र के बाद मिलेगी, तो इट विल मेक नो सेंस। अगर आप 45, 48 में नौकरी भी पाएंगे तो वो उत्साह नहीं रहेगा। हर चीज का वक्त होता है। आपको आप किसी को वेट करते करते आप प्रफराग बन गए, तब आपको जाके कोई प्रपोज करेगा, तो टाइमिंग का ही तो इशू है यार, क्यों परेशान हो। एज सिविलाइजेशन एडवांस है, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, पोइट्री वैसे वैसे पतन की ओर जाने लगती है। शेली, केट्स, बायरन, लॉर्ड मकाले। एज सिविलाइजेशन एडवांसेज पोइट्री ऑलमोस्ट नेसेसरली डिक्लाइंस। तो यहां पर क्या है, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है यार, तुम लोग टेंशन क्यों रहते हो? मैं सुनता सब क्यों, करता अपने मन की हूं ना, ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, क्योंकि आई विल डिफाइन हु एंड व्हाट आई एम। तीसरा आदमी क्यों डिफाइन करे? एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने कहा भूपेश पता है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा भूपेश पता है तुमको सब कहते पगलू। हमके मैं थोड़ा हंसा, क्योंकि मैं कार ड्राइव कर रहा था, वो बैठे थे, क्या पता भूपेश तुमको सब पगलू कहते हैं। हमको अच्छा, हमको क्यों? कह रहे तुम किसी की सुनते नहीं हो शायद। हमने कहा ना, जिस व्यक्ति ने मुझे पगलू कहा होगा उसने कुछ जरूर ऐसा किया होगा जिसको मैंने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया होगा। उस सीनियर का नाम भी मैंने बता दिया। हमने कहा इन्हीं तीन नाम में से किसी ने कहा होगा? फिर वो कहा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हमने कहा नहीं इन्हीं ने कहा होगा यार, क्यों उनको मुझसे नुकसान हुआ है। और फिर इट मेक्स नो सेंस ना, हु द हेल द थर्ड वन टू डिसाइड मी, इफ दे कॉल मी पगलू, कॉल मी व्हाट यू विल। ये तो जॉनडन ने पहले लिखी है और मैंने उसको इंप्लीमेंट कर लिया, तुम अभी जान जॉनडन ने सदियों कॉल मी व्हाट यू लाइक। ये तो डोमेन आपका डोमेन है, आपको किसी को क्या कहना है, मुझे क्या समझना है अपने आपको, मैं समझूंगा ना। कॉल मी पगलू और कॉल मी डब्लू, आई डोंट माइंड। ठीक है, आगे की बात करें, डिमॉब्ड एज यूज इन द वेस्टलैंड। ये डिमॉब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बरेल ऑफ द डेड में, उसका मतलब क्या हुआ? ओवरक्राउडेड, मर्डर्ड, लिंच्ड, रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी। एक और बात, लिंच का मतलब होता है पत्थर फेंक फेंक के मार देना, मॉब लिंचिंग कर देना। आगे की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, एंड व्हाट इज दिस? यहां पर हमारे पास ऑप्शन है डिमॉब्ड। डिमॉब्ड का मतलब होता है लील का हस्बैंड अभी अभी आर्मी से आ रहा है, रिलीज फ्रॉम द आर्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड नेट लाइक एग्जाम। ठीक है,
डिमॉप्ट का मतलब क्या हुआ? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैग्नस मार्टर एज यूज्ड इन द वेस्टलैंड इज द नेम ऑफ मैग्नस मार्टर। हालांकि मजेदार बात है कि इसका चर्चा, इसकी चर्चा चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट में भी करी है। यह बात कोई और नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। इसकी चर्चा ओलिवर ट्विस्ट में भी आती है। ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल है किसका? डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट है, वहां भी इसका जिक्र है। अ मोर्ग, ग्रेवयार्ड, चर्च, अ रियल मार्टर हु सैक्रिफाइज हिज लाइफ फॉर द गुड ऑफ पीपल। क्या बात है। हाँ, आगे की बात करें तो क्या है हमारे पास? देखो, जो सबसे बड़ा रहे आप उसको सही कर दोगे तो जरूर गलत हो जाएगा हर बार। एक चर्च का नाम है जिस चर्च का जिक्र ओलिवर ट्विस्ट के नॉवेल, डिकेंस के नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट में भी आता है। तो दिस इज द नेम ऑफ अ चर्च। ध्यान रहे, इस प्रकार के सवाल जरूर आएंगे और ज्यादातर 99% लोगों का गलत है। हार्डी वॉज अ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, बोथ अ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, अ मेलियोरिस्ट। आपको बताना है और दो क्वेश्चन और हैं, आप जरूर बताइए, मैं जाऊंगा। हाँ देखो, खा गया ना गच्चा सब लोग, थोड़ा सा बड़ा था तो आपको लगे बड़ा वाला ही आंसर होगा। गौतम गण, सीमा कह रही है सी है, वेरी गुड सीमा। अनुराग ई बता रहे। आगे की बात करते हैं। यहां पर हार्डी को बेसिकली लोग पेसिमिस्ट कहते हैं, लेकिन वो पेसिमिस्ट थे नहीं। हार्डी वॉज नीदर पेसिमिस्ट नॉर ऑप्टिमिस्ट, ही वॉज अ मिलियरिस्ट। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने आप को कहा, ही डिनाइड हिमसेल्फ बीइंग कॉल्ड पेसिमिस्ट, ही सेड नीदर आई एम एन ऑप्टिमिस्ट नॉर पेसिमिस्ट, आई एम अ मिलियरिस्ट। मिलियरिस्ट का मतलब ये होता है, ह्यूमन लाइफ कैन मेड बी बेटर, कैन बी मेड बेटर, दिस लाइफ कैन मेड बी बेटर बाई ह्यूमन एफर्ट्स। मानवीय प्रयासों से इस जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, जो ना आशावादी हो, जो ना निराशावादी हो, जो एकदम कर्मवादी टाइप का हो, जो अपने प्रयास से। तो मिलियरिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को मिलियरिस्ट डिक्लेयर किया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्पेक्टेटर क्लब, ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई विल नॉट कीप यू लॉन्ग। यहां पर एक तो रोजर डी कवरली हो गए, फिर कैप्टन सेंट्री हो गए, फिर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हो गए, फिर क्लर्जीमैन हो गया, फिर वो स्टूडेंट ऑफ लॉ हो गया। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे 6 मेंबर्स इन ऑल, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। अरे बुक की ऐसी की तैसी यार, तुम लोग कौन से बुक पढ़ो, तुम जानो ना यार, यहां पर यही तो है कि जो वहां पर बेस्ट मिलेगा ना। हाँ, बुक लिखने वाले की क्या औकात होगी यार, दूसरे की चीजों को लेकर के नोट्स बना के भेज दे रहे हैं, मेरी किताब को छाप करके आनंद भवन के सामने टाइप करके छाप के भेज देते लोग, बात करते हो तुम लोग, मतलब उसी को नोट्स अपने बच्चों को बना के भेज देते हैं, पैसा कमा लेते हैं 18,000, 12,000, 20,000। मजेदार, तकलीफ तब होती है, क्रेडिट भी नहीं देते। आई डोंट वांट टू बी गिवन क्रेडिट ना, कोई बात नहीं, गॉड विल गिव मी क्रेडिट इफ ही विशेस टू गिव। हाँ, तो कोई बात नहीं, बुक की क्या औकात है, जो बता रहा हूं उसको सुनो। आगे की बात करें, नहीं अन्नपूर्णा ये टफ नहीं है, आप पढ़िए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे ना। आगे की बात करें, एक क्लास एक क्वेश्चन ले लूं तो रुकिए। इन विच ऑफ द नॉवेल हार्डी कोट्स फ्रॉम किंग लियर, किस नॉवेल में हार्डी किंग लियर को कोट करते हैं? क्या बात है, जबरदस्त सवाल है, और सवाल और जवाब दोनों ही उम्मीद अच्छी है कि आप देंगे, मुझे लग रहा है। तो अब राकेश भाई, ये व्यक्ति का, ये तो आप पे निर्भर करता है ना कि आप किस तरीके के टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं ना। लोग उन्हीं टीचर से पढ़ना भी तो चाहते हैं ना, समस्या तो ये है ना, जिन्होंने गांधी या अंबेडकर के बारे में कोई किताब नहीं पढ़ी हो, वो अंबेडकर और गांधी के बारे पर आके चर्चा करेंगे और आप वही सुनना भी चाहते हो, समस्या तो ये है ना। आप ईमानदारी से पूछो अपने आप से, क्या आपने कोई पेज पढ़ा है गांधी पे या अंबेडकर पे? तो अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा है ना। तो अभी एक लाइन मैंने कही थी, इंसान से कभी उसका झूठ मत छीनो, जिस दिन आप इंसान से उसका झूठ छीन लेंगे वो आपसे नफरत करने लगेगा। इसलिए
झूठ तो किसी से मत छीनो दोस्त। और वो जो गांधी और अंबेडकर पे डिबेट कर रहे थे उनसे तो बिल्कुल मत छीनना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जानते हो हम लोग छोटी मछलियां हैं, बड़े लोग घाघ हैं। ये वही लोग हैं जो जीविसा की लाइन को अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में बटा एक्सप्लेन करके तालियां बजवा लेते हैं। और आम आदमी को क्या पता कि ये जीविसा ने कहा था कि गांधी ने कहा था कि अंबेडकर साहब ने कहा था, समझ रहे हैं? खैर, तो ये सवाल है आपको, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये क्राउन लिख हुआ है, माय अपोलोजीज, ऐसी कोई नॉवेल हार्डी साहब ने लिखी नहीं थी, तो आप मुझे ब्लेम मत करिएगा कि सर ये से कैसे हो गया। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी क्या हो गया, क्राउन क्यों हो गया क्राउड की जगह, तो ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये क्राउड है इतना आप जान लो। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, दिस इज नॉट योर आंसर, गॉट इट? दिस इज नॉट योर आंसर इन मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, व्हाट अ नॉवेल, क्लासिक नॉवेल, माइकल हेंचर्ड की कहानी है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, क्या बात है, टेस्ट ऑफ द अर्बर विल, कोट क्या है आप जानते हो? As flies to the wanton voice, sure be to God, they kill us for their sport. जिस तरीके से मक्खियां होती ना चंचल बच्चों के लिए, तितली जिसको हम ड्रैगन फ्लाई होते ना, टीड़ी जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे उस तितली को पकड़ करके एंजॉय करते हैं, गॉड भी हमें वैसे एंजॉय करता है, वो हम लोगों को मार देते हैं अपने एंजॉय, they kill us for their sport. ये लाइन टेस्ट ऑफ द अर्बर विल में कोट की गई है। These were 30 questions. I hope you must have enjoyed the session. Thank you very much for being me tonight. See you tomorrow if all go well. Thank you.